ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो लेक्चर है वो है इंपल्सिव मोशन ऑफ द फ्लूइड पे। तो इंपल्सिव मोशन ऑफ द फ्लूइड दरअसल है क्या और किस तरीके से ये काम करता है और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। एक्चुअली इंपल्स किसे कहते हैं? इंपल्स मतलब होता है कोई फोर्स हमने अप्लाई किया और फोर्स बहुत ही थोड़े समय के लिए अप्लाई किया, तो वो जिस तरीके का थ्रस्ट क्रिएट करेगा वो इंपल्स कहलाएगा। तो इंपल्स जो है, हम यदि फ्लूइड में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बहुत थोड़े समय के लिए जिससे कि उसमें मोशन आए या उसके मोशन में चेंज आए, तो वो इंपल्सिव मोशन की वजह से होने वाला चेंज जो है वो क्रिएट करेगा उस फ्लूइड के एक अलग तरीके के मोशन को, और उसकी इक्वेशन में भी वो इंपल्सिव फोर्स जो है वो इंक्लूड होगा। तो कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले मैं यह कहता हूं कि हम एक फ्लूइड पार्टिकल लेंगे और वो फ्लूइड पार्टिकल किस तरीके का है, ये वो फ्लूइड पार्टिकल है, एक रैंडम फ्लूइड पार्टिकल लिया है। तो इस फ्लूइड पार्टिकल के अंदर हमेशा ये बात आप जान लीजिए कि जो फ्लूइड पार्टिकल की हम बात करते हैं तो पार्टिकल कोई भी, ये कोई पॉइंट नहीं होता। इस फ्लूइड पार्टिकल के अंदर काफी सारा फ्लूइड होता है, हालांकि वो बहुत एक पॉइंट के बराबर ही है, लेकिन उसके अंदर भी हम अगर एटॉमिक स्केल पर देखें तो उसमें बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। तो ये फ्लूइड पार्टिकल एक कंटिन्यूम की तरह काम करता है, हमेशा ये बात ध्यान रखने की है। तो फ्लूइड पार्टिकल को हम एक सॉलिड पार्टिकल के रूप में नहीं लेंगे, इट इज अ फ्लूइड पार्टिकल, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल है जो कि आपस में मूव कर रहे हैं। चलिए एनीवे, ये एक फ्लूइड पार्टिकल है। तो ये इस पार्टिकल का सरफेस है, ये इस पार्टिकल का सरफेस है, और ये सरफेस के साथ साथ मैं कुछ चीजें मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि क्यू जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद मैं ऑल्सो ये भी कहता हूं कि अगर उसमें मैंने एक इंपल्स अप्लाई करी जो इंपल्स जो है वो आई, यदि है वो इंपल्स यदि आई है तो उसकी वेलोसिटी क्यू वन हो जाती है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है उस इंपल्स की वजह से। इसके बाद मैं कहता हूं कि ओमेगा जो है, ओमेगा बार जो है वो इंपल्सिव फोर्स है जो कि उस पर अप्लाई किया हुआ है। देखिए इंपल्स आई है और ओमेगा बार जो है वो इंपल्सिव फोर्स है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंपल्सिव फोर्स जो होता है उसकी वजह से इंपल्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो डब्ल्यू बार जो है वो इंपल्सिव फोर्स है, दैट इज अप्लाइड टू द एलिमेंट डेल्टा एस एंड आई इज द इंपल्स। ओके, नाउ मैं ये कहता हूं कि जो टोटल इंपल्स जो है दैट अप्लाइड टू द फ्लूइड पार्टिकल, अब हो क्या रहा है कि अगर मैं टोटल इंपल्स की बात करूं, यानी एक छोटे हिस्से की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे फ्लूइड पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो इंपल्स जो है वो हमेशा एक पूरे वॉल्यूम पे अप्लाई होगी। इंपल्स का जो इफेक्ट आता है वो वॉल्यूम पे आता है, और फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो फोर्स हम किसी सरफेस पे करते हैं, पर ये बात ध्यान में रखने की है। तो ये आप ध्यान से अगर ये देखें तो एक्चुअल में जो इंपल्स अप्लाई करूंगा तो वो एक वॉल्यूम पर होगा, और इसी तरीके से फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो सरफेस पर होगा। फोर्स का डायरेक्शन एन होगा, तो वो जो डायरेक्शन एन है, ये एन क्या है एक्चुअल में, ये एन एक्चुअल में जो है वो आपका उस सरफेस का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, इट इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ सरफेस, राइट। नाउ तो इसी तरीके से ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का मतलब ये पूरे पूरे मास पे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रो इंटू डीवी पे अप्लाई हो रहा है इंपल्स, है ना, तभी तो फोर्स बन रहा है। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और डीवी उसका वॉल्यूम है, तो उससे उसका मास क्रिएट हुआ, उस मास पे इंपल्स अप्लाई करी तो मैंने ये टोटल फोर्स क्रिएट हुआ जो कि वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में है, ठीक है। नाउ इसके आगे बढ़ता हूं मैं, ये जो है ये इंपल्स जो है वो इस सरफेस पे है। इसके बाद मैं अगर बात करूं आगे,
तो ये माइनस साइन कहां से आया? हाँ ये बात मैं भूल गया, सॉरी, ये जो है ये एक फोर्स अप्लाई हुआ इसी तरीके से, ये एक फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन ये माइनस साइन आया। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन तो आउटवर्ड है लेकिन इम्पल्स जो है वो इधर अप्लाई हो रही है, यानी कि जो जो फोर्स है, तो फोर्स जो है वो तो इधर अप्लाई हो रहा है। जब फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है जो तो डायरेक्शन आएगा इसका तो वो नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। नाउ अब मैं क्या करता हूं कि चूंकि इस पे एक तो वी है एक एस है, यानी कि एक इंटेग्रल तो वॉल्यूम पे अप्लाई किया हुआ है और एक हमने सरफेस इंटेग्रल अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों को एक ही तरह की चीज में बदलने के लिए आगे हमको काम करना है तो नेचुरली हमको एक ही तरह की चीज में इसको बदलना पड़ेगा। तो एक ही तरह की चीज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल मैंने किया तो सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में चेंज कर दिया। तो सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में चेंज किया तो ये रो आई डी वी ये टर्म तो वैसी की वैसी रही और ये एन ओमेगा बार जो है ये क्या बन गई? डेल ओमेगा बार। ठीक है, नाउ ये चूंकि अब वॉल्यूम इंटीग्रल में आ गई, वॉल्यूम एक आर्बिट्री वॉल्यूम है, मैंने एक साथ ले लिया तो ये रो आई माइनस डेल ओमेगा बार डीवी ये बन गया। और अगर मैं अब देखिए, अब चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन का हमेशा आपने देखा कैसे होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉ हम काम में लेते हैं और उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इससे ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। तो हमने अप्लाइड फोर्सेस की तो बात कर ली, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम चूंकि उस फोर्स को अप्लाई करने पर जो वेलोसिटी क्यू थी वो क्यू वन बन गई, तो जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया क्यू वन माइनस क्यू इंटू डीवी इंटू रो, और जो टोटल पार्टिकल पे आया तो हम उसका उस वॉल्यूम पे इंटेग्रल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में हमने क्या किया, उस वॉल्यूम पे इंटेग्रल किया रो इंटू वेलोसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मोमेंटम आ गया, करेक्ट। अब ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम किसके बराबर हुआ? उस फोर्स के, देख लीजिए है। तो ये हमारी एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ मोशन होने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए ये पहला स्टेप है ये, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली। ठीक, नाउ तो भाई इसको करें हम, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल जो लिया हुआ है वो कोई भी आर्बिटरी वॉल्यूम है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हटा सकते हैं और मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि रो क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल टू रो आई माइनस डेल डब्ल्यू बार ओमेगा बार। ठीक है, तो क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन रो डेल ओमेगा बार। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये एक्चुअल में ये एक तरह से ये एक शेप आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये हर पॉइंट पे फ्लूइड के हर पॉइंट पर ऐसे ही अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक कंटिन्यूम की तरह बिहेव करता है, कॉन्टिन्यूम की तरह बिहेव करता है। कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या हो गया कि भाई इधर हम देखें चाहे उधर देखें सब जगह एक जैसा है, कंटिन्यूस फ्लो है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो भी हमारे पास रिलेशनशिप निकली है ये रिलेशनशिप विल वर्क एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। नाउ अब एक बात कहते हैं, अगर हम तो ये एक तरह से मेरे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई किसके लिए? इंपल्सिव फोर्सेस के लिए, करेक्ट। नाउ अब मैं कहता हूं कि भाई अगर इंपल्स जो है वो अप्लाई नहीं हुई, एक्सटर्नली अप्लाइड इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू जीरो करते ही मेरे पास इक्वेशन इस शेप में बदल जाएगी। इसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि फाई, फाई क्या होता है आपको पता है? फाई क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल वेलोसिटी, अगर पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो है यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होती है,
तभी हम इसको मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी तभी वो पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो होगा और तभी फाई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो द फ्लूइड मोशन जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो के लिए इरोटेशनल होगा, और जब इरोटेशनल होगा तो मैंने क्या किया, मैंने डेल फाई वन माइनस डेल फाई बाई क्यू वन माइनस क्यू है ना, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ग्रेडियंट के रूप में, इज इक्वल टू वन अपॉन रो डेल ओमेगा बार, डेल्टा मैंने सब जगह से हटा दिया तो ओमेगा बार इज इक्वल टू रो फाई वन माइनस फाई, ठीक है। इसका जो फिजिकल मीनिंग जो है इससे इससे क्या मतलब निकलता है, इट एक्चुअली गिव्स अ फिजिकल मीनिंग ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है इट इज माइनस वन अपॉन रो टाइम्स ऑफ द प्रेशर इंपल्स रिक्वायर्ड टू सेट अप अ मोशन फ्रॉम रेस्ट। मतलब क्या बोला, मतलब ये है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो माइनस वन अपॉन रो गुना होता है उस इंपल्सिव प्रेशर का जो कि हमें किसी फ्लूइड जो कि रेस्ट पर है को मोशन में लाने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। और दूसरी बात, नो इररोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू रिड्यूस और रिड्यूस्ड टू रेस्ट बी द एक्शन ऑफ प्रेशर इंपल्स। दूसरी बात एक बात और कि प्रेशर इंपल्स अप्लाई करने से हम कोई भी रोटेशनल मोशन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नंबर एक बात, यानी जीरो से रोटेशनल मोशन प्राप्त करना हो हम प्रेशर इंपल्स अप्लाई करके नहीं कर सकते, या रोटेशनल मोशन है और उसको हमको जीरो बनाना है इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करके नहीं कर सकते। दोनों ही चीजों में यानी इंपल्सिव फोर्स जो है वो हमेशा इररोटेशनल मोशन के संदर्भ में ही काम में लिया जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरीके से अगर फ्लूइड जो है वो इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल इसका मतलब क्या है कि रो कांस्टेंट है, ठीक है, और कोई भी बाहरी इंपल्स नहीं अप्लाई हो रही है, यानी आई इज इक्वल टू जीरो है, तो फिर क्या होगा, ये जो इक्वेशन है मेरी, इस इक्वेशन में क्या करता हूं, डेल डॉट यानी डाइवर्जेंट अप्लाई कर देता हूं मैं, तो डेल डॉट क्यू वन माइनस डेल डॉट क्यू और आई जीरो है ही, माइनस वन अपॉन रो डेल स्क्वायर डब्ल्यू। जब डेल स्क्वायर डब्ल्यू की बात कर रहा हूं, ये जो चीज है ये क्या है, जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है ये क्या बोलेंगे, पोटेंशियल काइंड ऑफ फोर्स है, तो पोटेंशियल काइंड ऑफ फोर्स जो होता है वो हमेशा लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो चीज है यहां से क्लियर आती है कि ये पोटेंशियल काइंड ऑफ फोर्स बनेगा और ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो भाई ये जो है ये इंपल्सिव मोशन था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब नॉट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज अ जनरल इंपल्सिव मोशन। अब हम इसी चीज को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से अप्लाई होता है, कैसे इसको करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर, गुड डे।